हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश क्लास नाइन्थ का जो सेकंड चैप्टर है प्रोज का द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को चेक करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि द साउंड ऑफ म्यूजिक दो पार्ट में बटा हुआ है, एक तो एवलिन ग्लेनी पर आधारित है और दूसरा शहनाई या बिस्मिल्ला खां। तो एवलिन ग्लेनी का जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है हमने अपने चैनल पर कवर किया है, और साथ ही साथ जो सेकेंड पार्ट है बिस्मिल्ला खां, इस पर आधारित जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको हमने कवर किया है। यदि आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही हम ये बता दें कि वहाँ पर हमने इंग्लिश क्लास नाइन्थ का एक प्लेलिस्ट बनाया है, और उस पर जाकर के आप प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप चेक कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग या बिस्मिल्ला खां इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को स्क्रीन पर आइए देखते हैं। हम लोग पहला लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिस्मिल्ला खांज अर्ली लाइफ, यानी बिस्मिल्ला खां के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें बताना है, वर्णन करना है। तो देखें, बिस्मिल्ला खां द ग्रेट शहनाई मास्टर वाज बॉर्न इन वेल नोन फैमिली ऑफ बिहार। तो बिस्मिल्ला खां जो था, जो कि बहुत बड़ा महान शहनाई वादक था, ग्रेट शहनाई मास्टर था, वाज बॉर्न इन वेल नोन फैमिली ऑफ बिहार। तो बिहार के एक जाने माने परिवार में उसका जन्म हुआ था। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड हिज ग्रैंड फादर रसूल बख्श खान वेयर अल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। यहाँ पर बात किया जा रहा है कि उसके जो पिताजी थे और उसके दादाजी, ये भी उसके दादाजी का जो नाम था रसूल बख्श था, वह भी महान शहनाई वादक थे, शहनाई प्लेयर थे। एज अ 5 ईयर ओल्ड बिस्मिल्ला यूज्ड टू प्ले गिल्ली डंडा। तो जब 5 वर्ष का था तो बिस्मिल्ला खां गुल्ली डंडा खेला करता था। रेगुलरली वेंट टू बिहारी टेम्पल एंड सैंग भोजपुरी चैता देयर। तो डुमराव बिहार में जो पड़ता है वह गांव था, जहां पर वह एक तालाब के पास रोज़ गुल्ली डंडा खेलने जाता था, और वहीं पर बिहारी जी एक मंदिर हुआ करता था, जहां पर वह पर डे प्रतिदिन भोजपुरी चैता गाने के लिए जाता था। व्हेन ही वाज जस्ट 3, और जब उसकी उम्र मात्र 3 वर्ष की थी, तो ही फॉर द फर्स्ट टाइम सा हिज अंकल्स प्रैक्टिसिंग शहनाई। तो जब बनारस गया हुआ था अपने मदर के साथ, तो वहाँ पर अपने अंकल को, मामा को शहनाई प्रैक्टिस करते हुए देखा। एंड फ्रॉम हियर स्टार्ट हिज जर्नी ऑफ लर्निंग शहनाई, स्टार्टेड हिज जर्नी ऑफ लर्निंग शहनाई, यही से अपनी यात्रा प्रारंभ किया था शहनाई के लिए, शहनाई को सीखने हेतु। ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन सॉलिट्यूड, और एकांत में प्रैक्टिस अभ्यास करना शुरू कर दिया। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम, और गंगा का बहता हुआ पानी उसको उत्प्रेरित की। एक क्वेश्चन नंबर 1 था। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन को देखिए। व्हाट डू यू नो अबाउट बिस्मिल्ला खांज अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, यानी कि बिस्मिल्ला खां के जो पुरस्कार थे उसकी पहचान के बारे में आप क्या समझते हैं। आइए इसके आंसर को देखते हैं। बिस्मिल्ला खां वाज अवार्डेड द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण अवार्ड्स। तो उसको बहुत से पुरस्कार दिए गए, पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन 2001 ही वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और 2001 में उसे भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सिविलियन अवार्ड दिया गया, द भारत रत्न, जिसको हम लोग भारत रत्न जानते हैं, उससे उसको नवाजा गया था बिस्मिल्ला खां को। ही वॉज द ओनली पर्सन हु टुक शहनाई टू द क्लासिकल स्टेज, और वह मात्र इकलौता व्यक्ति था जिसने कि शहनाई को रंगमंचों पर लाया, क्लासिकल स्टेज रंगमंच पर के लाया, शास्त्रीय रंगमंचों पर लाया। ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्ला खां ग्रीटेड द नेशन विथ हिज शहनाई, और 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो राष्ट्र का अभिवादन किया था शहनाई बजा करके, जो बिस्मिल्ला खां था। क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं। बिस्मिल्ला खां लव्ड इंडिया, बनारस एंड डुमराव, डू यू एग्री। तो ये प्रश्न बोल रहा है कि बिस्मिल्ला खां बनारस डुमराव से प्यार करता था, भारत से प्यार करता था, क्या आप राजी हैं। यस यस, आई एब्सोल्युटली एग्री, हाँ हाँ बिल्कुल हम राजी हैं, ज़रूर वह भारत और डुमराव से प्यार करता था, बनारस जैसे सिटी से।
दैट बिस्मिल्ला खान लव्ड इंडिया बनारस एंड डुमराव एल्सो. बनारस एंड डुमराव रिमेंड द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स इन द वर्ल्ड फॉर हिम. तो उसके लिए जो बनारस था और डुमराव था वह संसार में सबसे अद्भुत शहर हैं, अद्भुत नगर हैं. व्हेन इन अ फॉरेन कंट्री बिस्मिल्ला यर्न टू सी हिंदुस्तान. और जब बिस्मिल्ला विदेश में होता है तो उसको याद आती है हिंदुस्तान का. व्हाइल इन मुंबई, जब मुंबई में होता है तो ही थॉट ऑफ बनारस, बनारस की यादें. एंड द गंगा, और गंगा की बातें, गंगा की यादें. एंड व्हाइल इन बनारस तो जब मुंबई में होता है तो उसको बनारस और गंगा की यादें आती है. और जब बनारस में होता है व्हाइल इन बनारस ही मिस्ड द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, तो उसे डुमराव का वह अनुपम मठ याद आता है. सच वाज हिज लव फॉर दिस प्लेसेस, इस प्रकार का उसका प्यार था इस स्थानों के, इन स्थलों के प्रति. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वाज बिस्मिल्ला खां एसोसिएटेड विथ फिल्म्स, आखिर बिस्मिल्ला खां फिल्मों से कैसे जुड़ा था. आगे पूछ रहा है कि एंड व्हाई डिड ही गिव अप फिल्म्स, आखिरकार फिल्म में आने के बाद उसने फिल्म को क्यों छोड़ दिया. देखिए, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट बिकेम सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग द म्यूजिक ऑफ बिस्मिल्ला खां. जो बिस्मिल्ला खां था जब म्यूजिक बजाने लगा, स्टार्ट किया था, तो उसके म्यूजिक से काफ़ी प्रभावित हुए थे जो फिल्म निर्देशक विजय भट्ट थे. इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग म्यूजिक ऑफ बिस्मिल्ला दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गुंजूठी सहनाई. तो जो उसका सहनाई यंत्र था उस नाम पर आधारित उन्होंने एक फिल्म का नाम रख दिया गूंज उठी सहनाई. सुनने के बाद विजय भट्ट उसके संगीत को, उसके सहनाई वादक को, वन ऑफ बिस्मिल्ला खांच कंपोजिशन इन दिस फिल्म दिल का खिलौना है टूट गया. और बिस्मिल्ला खां का एक दूसरी कृति है दिल का खिलौना टूट गया, यह भी उसकी कृति है, रचना है. बिकम अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, माने कि राष्ट्रव्यापी जो कीर्तिमान है उसको ध्वस्त करने वाली बन गई उसकी यह जो फिल्म जैसी कृति है, रचना है. हिज अदर फिल्म वाज विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ फिल्म सनाधि अपना, और दूसरी जो उसकी कन्नड़ फिल्म थी विक्रम श्रीनिवास का जो कन्नड़ उपक्रम सनाधि अपना, यह भी उसकी कृति थी बिस्मिल्ला खां का. ही गेव अ फिल्म बिकॉज ही कुड नॉट कम टू टर्म्स विथ द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड. तो उसने फिल्मों को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि फिल्मों में बड़ी ही चकाचौंध होता, आर्टिफिशियलिटी माने कृत्रिमता होता है, बनावटपन होता है, एंड ग्लैमर और चकाचौंध होता है, वास्तव में सच्चाई में होता नहीं, होता कुछ और है, किया जाता कुछ और है. इस आधार से उसने फिल्म को छोड़ दिया. सो थैंक्स.